खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से, जहां पर 3 साल की मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया है। उस बच्ची का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। रेप के बाद में बच्चे की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम के बाद में पूरा मामला सामने आया, जिसमें यह जाहिर हुआ कि बच्चे की हत्या से पहले उसके साथ में बलात्कार किया गया था। पूरे मामले पर पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। एक आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त पुलिस ने अपना ट्रैप लगाया, अपना जाल बिछाया, पुलिस से बचने के लिए आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मुठभेड़ हुई। हमारे सहयोगी और लखीमपुर खीरी से संवाददाता गोपाल गिरी इस वक्त फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। गोपाल, एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ में ये जघन्य अपराध, पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, मगर उस आरोपी का क्या कहना है? उसको ऐसे क्या मेंटली वो डिस्टर्ब था, मानसिक तौर पर बीमार था? पुलिस का आधिकारिक बयान क्या है? देखिए जब्बार, आपको बता दें कि जिस तरीके से घटना हुई है, वाकई में जो मामला को सकराल करने वाली घटना तो है ही, लेकिन जिस तरीके से जिस बच्ची की हाल को देखा जाए, 3 साल की बच्ची के साथ जो ये घटना हुई है, इसके लेकर के अभी तक जो है किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अधिकारियों का, लखीमपुर खीरी एसपी की बात की जाए, उनका कहना है कि हालांकि मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में तुरंत उसको गिरफ्तार भी किया गया है, घायल हुआ है, उसका इलाज चल रहा है। पूछताछ में अभी कोई तथ्य सामने निकल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से इस तरीके की घटना मानसिक विकृति के कारण लोग कायद कर रहे हैं, क्योंकि पहले इससे पहले भी इनके आपसी जो है रंजिश की भी एक बात सामने आई थी, लेकिन जिस तरीके से गायब हुई और उसके बाद युवती पाया गया बच्ची का, बच्ची के बाद पीएम में पोस्टमार्टम की पुष्टि हुई, तो घटना और भी जो है बड़ी हुई, लेकिन गिरफ्तारी होने के बावजूद भी ये घटनाएं जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं से सवाल समाज की मानसिकता और गंदे हो रहे समाज की ओर इंगित करती है घटनाएं। चलिए, शुक्रिया गोपाल इन तमाम जानकारी के लिए। खबर ललितपुर से, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या कर दी, शव को ठिकाने लगा दिया, लेकिन इस हत्या से जब पर्दा उठा तो एक के बाद एक चेहरे सामने आए। रिपोर्ट देखिए। प्यार में कातिल बनी पत्नी, प्रेमी के संग रची कत्ल की साजिश, पति पत्नी और कातिल प्रेमी। प्यार में पागल पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति के कत्ल की साजिश रच डाली और पति को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन इस कत्ल का 22 दिन बाद राज खुला और सामने आया कातिल पत्नी और हत्यारे प्रेमी का चेहरा। ललितपुर की रहने वाली ये वही कातिल पत्नी है जो प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पति का बिजली की तार से गला घोंट दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। उसके बाद शव को नहर के किनारे में फेंक दिया गया। घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। घर वालों ने बताया कि युवक मथुरा के लिए निकला था, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन में जुट गई। किसी बीच मुखबिर की सूचना पर कातिल पत्नी और हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन प्रेमी का दोस्त अभी भी फरार चल रहा है। 15/8 में एक अज्ञात बॉडी थाना बानपुर के एक स्थान पर जंगल में मिली थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ आई कि स्ट्रैंगुलेशन से उसकी हत्या हुई थी। इस प्रकरण में FIR दर्ज की गई थी। बाद में इसकी शिनाख्त हुई और हमारी टीमें लगातार इसमें काम कर रही थी। इस केस का अनावरण आज हुआ है और इसमें चौंकाने वाले तथ्य ये आए हैं कि उस व्यक्ति के मारने में उसकी स्वयं की पत्नी और पत्नी का प्रेमी और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति शामिल थे। पत्नी को और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने एक बार जुर्म किया है। तीसरे व्यक्ति की तलाश की जा रही है। हम लोग वैधानिक कार्रवाई करते हुए चेक पूछा। जब पुलिस दोनों से पूछताछ करना शुरू की तो एक के बाद एक वो सभी राज खुलते चले गए, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। दोनों ने अपने जुर्म को कबूलते हुए हत्या की पूरी कहानी बताई। लग रहा सर गलत सुखिया करे, आरोप है गलत तो कर ही दो। अच्छा, जो होगा तो आपको क्या लगता, सही किया आपने? नहीं लगता कि सही किया। तो क्यों किया आपने? अब हो गया टेंशन में सर। क्या टेंशन थी? मारत पीटत थी। अच्छा, ठीक है, परेशान करत थी। पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लेगी।
ललितपुर से शैलेंद्र जैन, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के ढेमा गांव के सुमेरु का पूर्वा में एक लड़की पर तंज कसने पर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में घायल युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस इस मामले में पीड़ित परिवार की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में लगी है। सहारनपुर में 3 गैंगस्टर ने थाने में जाकर के आत्मसमर्पण कर दिया है। तीनों अपराधियों पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों अपराधियों को हिरासत में लिया है। चिलकाना थाना क्षेत्र की घटना। बुलंदशहर के उठरावली गांव पहुंची R9 टीम ने ग्रामीणों से गांव के हालचाल को लेकर के बातचीत की, जहां पर ये बात सामने आई कि कभी सूबे के मुख्यमंत्री रहे बाबू बनारसी दास जी के गांव के हालात आज कितने बदतर हैं। गंदगी का अंबार है, ग्रामीण बहुत ही बुरे हालात में रहने को मजबूर हैं। कहीं टूटी सड़कें हैं तो कहीं गड्ढों में बारिश का पानी जमा हुआ है। गांव पर न तो प्रशासन का ध्यान है और न ही जनप्रतिनिधियों का। बुलंदशहर के उठरावली गांव में R9 की टीम मौजूद है। गांव-गांव हम लोग जाते हैं, गांव की समस्याएं सुनते हैं। इस गांव में भी आए हैं, गांव के लोग साथ हैं, बातचीत करेंगे, समझेंगे इस गांव के लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है भाई आपका? सोनपाल सिंह जी। क्या समस्या है गांव में? गांव में रास्ते खराब हैं कई जगह। ये गांव बल्कि हमारे स्वतंत्र 3 स्वतंत्र सेनानी रहे हैं, मुख्यमंत्री तक रहे हैं, सनसी में मुख्यमंत्री रहे बाबू बनारसी दास। बाबू बनारसी दास जी का गांव? बाबू बनारसी दास जी का गांव है। अरे, ये स्वतंत्र सेनानी रहे हैं, उसके बाद भी गांव में विकास नहीं है? नहीं हो पाया विकास, जो कुछ वो कर गए उतना ही विकास हुआ है। 2 इंटर कॉलेज हैं, 1 ITI है। कम से कम 300-400 छात्र डेली जाते हैं पढ़ने के लिए। बच्चे डेली गिरते हैं, फिर वापसी घर चले जाते हैं। शिक्षा का ही तो शिक्षा नहीं हो पा रही उनकी पूरी। कितने शिक्षित गांव है ये? 80% शिक्षित गांव है। 80% जी, उसके बावजूद हाल है ऐसा? उसके बावजूद ये हाल है। हमारे बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हम जंगल को जाते हैं तो न्याल लेके गिर जाते हैं। आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, घर घर के पास इतनी गंदगी पानी भरा रहता है। तो कब से देख रहे हैं आप ये गंदगी? 6-7 साल हो गए यहाँ पे ऐसे रहते रहते। सफाई कर्मी भी नहीं आते? कोई भी नहीं आता यहाँ पे, कोई सफाई करने नहीं आता। नाली इतनी गंदी रहती है, पानी भर जाता है, बारिश होती है तो बहुत। अब हमारे चैनल के माध्यम से क्या गुहार लगाएंगी? हम चाहते हैं कि ये रास्ता बन जाए जल्दी से जल्दी। रास्ता बन जाए, बहुत परेशान है, स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो उठरावली गांव में हम लोग मौजूद हैं। उठरावली गांव में तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं। यहाँ के ही रहे हैं बाबू बनारसी दास, जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, और भी कई स्वतंत्रता सेनानी इस गांव से रहे हैं, कई अधिकारी भी रहे हैं, क्योंकि 80% गांव शिक्षित है। गांव के लोगों का कहना है कि तस्वीरें यदि इसी तरह की रहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जब इस गांव का शिक्षा का ग्राफ थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं छोटे वो यहाँ से नहीं गुजर के जा पाते हैं, क्योंकि जहाँ देखो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जो रोड है पूरी तरह से कच्चे हैं, 2-2 फीट पानी उन पर गंदा जमा रहता है। जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनका भी यही कहना है कि गंदगी के चलते बीमारियां होती हैं, क्योंकि मच्छर पैदा हो रहे हैं, आए दिन बीमारियों का सामना इस गांव के लोगों को करना पड़ रहा है। सभी ने हमारे चैनल के माध्यम से गुहार लगाई है कि इस गांव की तरफ भी रुख करें, ना भूलें कि इस गांव ने देश को बड़े अधिकारी दिए हैं, देश को नेता भी नेता दिए हैं। बुलंदशहर के उठरावली गाँव से कैमरामैन दिशान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। इसी के साथ अपना गाँव में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश प्रदेश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ।